एक्सरसाइज 2.6 इसका पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एज ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे ये बताना है कि गलत है या सही है। पहले चेक करते हैं कि पहला है -3 की अंडर रूट है और आगे -3 अंडर रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है, ये फॉल्स है क्योंकि आंसर -3 आता है। ये इस तरह के अगर -3 को अंडर रूट लें तो इसकी पावर दोनों को मिलाएं तो स्क्वायर बन जाता है, दो अंडर रूट हो तो अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, यानी कि हाफ होती है। 3 की का हाफ यानी अंडर रूट की जगह हाफ आ जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कि पावर 2 -3 है, तो ये आ जाएगा -3 की पावर, आपस में मल्टीप्लाई होती है, 1/2 बराबर 1/2, ये दो दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जस्ट आंसर आ जाएगा -3, तो ये फॉल्स है। अगला देखें, अगला कहता है आयोटा की पावर 73 है, यानी 73 है, तो ये इक्वल होता है माइनस आयोटा के, ये भी फॉल्स है क्योंकि ये आयोटा के इक्वल होता है। अगर लिखें ऐसे आयोटा की पावर 73 ये इक्वल होता है, इसको हम इस तरह लिखते हैं आयोटा की पावर 72 डॉट आयोटा, क्योंकि हमें इसको आयोटा स्क्वायर चाहिए होता है, इसलिए हम इसको अगर रोड होती यूनिट की शक्ल में लिखते हैं। तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, इसको लिखते हैं 72 को स्क्वायर की पावर 36, ये इस तरह ये 36 हो गया, 7 आयोटा आ जाएगा। अंदर जो वाला जो आयोटा स्क्वायर है ये होता है -1 के इक्वल, -1 की पावर 36, 7 आयोटा, ये बन गया जी आयोटा। -1 की पावर कुछ भी इवन हो तो वो प्लस के इक्वल होता है, ये जस्ट आयोटा के इक्वल है। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि आयोटा की पावर 10 हो तो -1 के इक्वल होता है, ये ठीक है। अगला है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ दिस इन -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -6 + 6 आयोटा। कंजुगेट वो होता है कि जिसके साथ योटा लगा उसकी सिर्फ वैल्यू जो साइन होता है चेंज होता है, यहाँ है -6 साथ योटा लिखा हुआ है तो यहाँ +6 योटा बन गया है, तो जिस इसकी वैल्यू चेंज होती है योटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, ये -1 इसी तरह लिखा हुआ है कि ये है आयोटा है ये -1 है योटा स्क्वायर होता है, तो ये तो रियल नंबर है, ये तो ऐसे ही होगा, लेकिन जस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स वो नंबर होता है जिसके साथ योटा लगा हो तो उसका साइन चेंज होता है, ये माइनस है वो प्लस हो गया, ये कंजुगेट होता है। अगला है डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू ए बी इज ए कंजुगेट, इट्स कंजुगेट इज रियल नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है एक और उसके कंजुगेट लें तो वो एक रियल नंबर बनता है, ये फॉल्स है क्योंकि वो रियल नंबर नहीं बनता, कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहता है। मतलब ये है डिफरेंस होता है आपस में माइनस करना, ए प्लस बी आयोटा, इसका डिफरेंस लेंगे इसके कंजुगेट से, लिखा हुआ माइनस दरम्यान लगाया, ये डिफरेंस होता है माइनस लेना, ये तब ये कंजुगेट होगा जो
आयोटा और वैल्यू होती है तो साइन चोल होता है माइनस बी आयोटा, ये आयोटा है, आयोटा हम देखें ए प्लस बी आयोटा आगे माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ए, माइनस अंदर से माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बी आयोटा बन गया, प्लस बी आयोटा। अब ये दोनों आपस में प्लस ए और माइनस ए आपस में कैंसिल हो गए, जस्ट बच गया एक बी आयोटा दूसरा बी आयोटा, मतलब के दो बी आयोटा बन गए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है, तो ये रियल नंबर है तो कहते हैं ये फॉल्स है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अगला है इफ ए माइनस वन आगे ब्रैकेट के अंदर है आगे बी प्लस थ्री आयोटा इक्वल होता है फाइव प्लस एट आयोटा, देन एक वैल्यू सिक्स बी की वैल्यू माइनस इलेवन पुट करें तो देखें अब ए की जगह हम पुट करते हैं सिक्स, एक जगह सिक्स और माइनस वन ऐसे ही रहेगा, ये चीज आगे ये दरम्यान में माइनस का साइन, बी की जगह बी की वैल्यू माइनस अलेवन, माइनस अलेवन प्लस थ्री प्लस थ्री बार आयोटा का साइन, ताकि छह में से एक गया तो पांच माइनस अगर अंदर बनता है माइनस एट, ये अलेवन में से थ्री गए तो माइनस एट बनता है, माइनस एट और बार आयोटा इक्वल होता है फाइव माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस बन जाते हैं तो प्लस एट आयोटा जी आ गया है, ठीक है ये ट्रू है। अगला कहता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंजुगेट इज ऑल विद इन नॉन नेगेटिव रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है उस कंजुगेट लें दोनों को आप उनमें जर्ब दें जो आंसर आएगा हमेशा वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा, एक नेगेटिव नहीं है नॉन नेगेटिव ही आएगा हमेशा हम किसी किस्म के भी ले लें, मसलन ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं मसलन है थ्री है प्लस दो आयोटा, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है कंजुगेट से मल्टीप्लाई हुआ थ्री माइनस टू आयोटा कंजुगेट ले लिया। अब ये होता है थ्री का स्क्वायर माइनस टू आयोटा का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नाइन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस वन के, ये आ गया नाइन प्लस फोर क्योंकि आयोटा की पावर माइनस वन है, माइनस वन और जो माइनस
वन के साथ माइनस है, ये माइनस में मल्टीप्लाई होके अपन प्लस बनाए देंगे, ये आता है 11। अगर इनके साथ माइनस भी लगा देना पहले एक साथ, फिर भी वो प्लस ही बनेगा, ये इसके साथ माइनस भी लगा दें तो फिर माइनस थ्री की स्क्वेयर भी लें तो वो नाइन ही आता है। तो हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कंजुगेट आपस में मल्टीप्लाई करें तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर आता है।